प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि किसान सोलर पैनल लगाकर 2 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकेगा, जिसके लिए लोन बैंक देगा। उसकी बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से सरकार खरीदेगी। वहीं अभी बारिश के चलते बर्बाद हुई फसलों का सर्वे होगा और नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से किसानों के खाते अलग अलग किए जाएंगे, इससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के खाते में राशि की स्कीम ऑनगोइंग स्कीम है। मुझे हैरानी है कि कांग्रेस इसकी भी बुराई कर रही है और शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंची थी। बिजली और घर की बिजली मिला के 21,000 करोड़ रुपया मैं मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से दे रहा हूं, तब ये सस्ती बिजली दे पाते, क्योंकि कोयला खरीद रहा है, पानी तनखा बांटना है, बाकी व्यवस्थाएं करनी है। इसलिए हमने सूरत से भी बिजली बनाने का फैसला किया है और एक ऑफर और दे रहा हूं। आज एक नई योजना बनाई मैंने, किसान भी बिजली बनाना चाहे, आप में से भी कोई बना सकता है, तो अपने खेत में सोलर पैनल बिछाओ, ऊपर सोलर पैनल, नीचे फसल भी लगाओ, बिजली पैदा करो, वो पूरी बिजली मैं खरीदूंगा ग्रिड में, सरकारी ग्रिड में आपसे। आप लोन लेके भी बना दो, एग्रीमेंट कर लेगी सरकार कि इतने मेगावाट की, इतने यूनिट की इतने पैसा दूंगा, प्रॉफिट में दूंगा, घाटे में नहीं, वो मंजूर तो बोलो हाँ। अरे किसान भी क्यों ना बनाए बिजली। अब देखो ये बिजली बनानी पड़ेगी, नहीं कोयला खत्म हो गया तो क्या करेंगे दादा। अब सवाल वो करेंगे जिनकी एक उंगली से सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। अब सवाल वो करेंगे जिनके आगे हर सियासत का सर झुक जाता है, जिनके होने से देश में लोकतंत्र जिंदा है। अब सवाल पूछने की उनकी बारी। अब होगा सिर्फ सवाल पब्लिक का, क्योंकि जब पूछने की बारी है तो सिर्फ जनता ही अधिकारी है।